प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया के साथ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत राणा, पूर्व प्रधान पिंटू परमार, प्रधान कुलवंत सिंह, उप प्रधान कमल कुमार, विजय ठाकुर रिटायर, बीपीओ विवेक राणा, बलवीर गुप्ता, प्रताप चंद विधानसभा शाहपुर हल्के की रिहुल पंचायत बोडरू सारना में जाकर इस संकट की घड़ी में लोगों का दुख दर्द साझा किया और कोरोना वायरस की महामारी के बचाव के लिए जनता को मास्क वितरित किए। विजय ठाकुर पेंशन संघ प्रधान ने कहा कि इस संकट की घड़ी में केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों को दोहरी मार दी है, जो कभी इतिहास में नहीं हुआ। सरकार एक तरफ जनता की हितैषी होने का डोंग रच रही है तो दूसरी तरफ पेंशन धारकों का डीए फ्रीज करके पेंशन धारकों की कमर तोड़ रही है। विजय ने कहा कि जो अरबों रुपया देश की जनता ने केंद्र सरकार को दान दिया है, पहले उसको जनता के बीच खर्च करे। अगर उसके बावजूद अगर कमी आती है तो हम एक महीने की पेंशन देने को भी तैयार हैं, लेकिन जो कोविड-19 के लिए दान दिया पैसा सरकार सार्वजनिक करे। जैसे थाने साहब माजी पंचायत में आए हैं, इन्होंने वो काम करके दिखाया जो आज की सरकार, जिसका दायित्व बनता था कि पंचायत भाई जाके मास्क, हैंड सैनिटाइजर और जो भी सारी सफाई का अभियान है वो सरकार को आए, परंतु उसकी बनस्बत जो विपक्ष में बैठे हैं वो हमारे गांव वाले की सहायता से अपना साफ काम या दायित्व पूरा निभा रहे हैं। दूसरी बात रही हमारे एक्सेस मैन की, जो हमारा 18 महीने का डीए जो है वो फ्रीज किए गए, जो कि बहुत ही गलत बात है, क्योंकि एक जो सदस्य में है वो अपनी जान की बाजी लगा के, जान अपनी हथेली पर रखे देश की सेवा कर रहे हैं और ऊपर से उन्हीं का भी 18 महीने का जो डीए वो सरकार ने फ्रीज कर दिया। हालांकि इसके बावजूद भी हमारी जितनी भी डिग्निटरी हैं उन्हें करोड़ों अरबों रुपया जो गवर्नमेंट को पीएम केयर फंड में दिया है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हाँ, उसका पहले वो उस पैसे को सरकार यूज करे, उनको जरूरत पड़ती है तो हम एक महीने की पूरी पेंशन भी देने को तैयार है, प्रोवाइड हमारा जो पेंशन का पैसा है वो अच्छी तरह यूज नहीं है। कल हमें पता चला है कि जो भाजपा के विधायक हिमाचल प्रदेश के हैं वो सीएम के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि हमारा जो निधि है, निधि फंड जो उसको रिलीज किया जाए, उनको अपने निधि फंड की बहुत जरूरत पड़ी है। जो हमारे एक्सेस मैन का जो डीए 18 महीने का फ्रीज किया है उसके लिए कोई भी सरकार जो है वो उत्तर नहीं दे रही, उसके लिए वो मौन धारण किए हुए। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारा जो भी गवर्नमेंट सर्विस है उनका जो डीए जो फ्रीज किया, हालांकि उन्होंने एक रूल बना दिया कि जो इन सर्विस है उनकी हर महीने एक दिन की जो पेमेंट जो है रिटर्न की जाए। अब ये बताओ कितने हमारे यहाँ एम्प्लॉई हैं, उनके एक महीने की पेमेंट कितना सरकार को पैसा बनता है, वो पैसा कहाँ जाएगा, उसका क्या हिसाब किताब है सरकार के पास? क्या सरकार उसके लिए भाई पेपर हमारे को इशू करेगी कि हाँ इतना पैसा हमारे पास आया और इतना हम इसको यूज कर रहे हैं? तो हम सरकार से लास्ट में यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले जो पैसा आपको मिला हुआ है उसको यूज करें। प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान 2 महीने से ब्लॉक कांग्रेस शाहपुर के पदाधिकारी जनता के बीच बने रहे। इस दौरान जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज भी वे रिहुल ठंबा में जाकर जब उन्होंने जनता से संवाद किया तो जनता में सरकार के कार्य प्रणाली पर लोग संतुष्ट नहीं दिखे, जिसमें पेंशन धारकों ने भी मांग उठाई कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पहले कोविड-19 के लिए दिए गए पैसे को सार्वजनिक करे, उसके बाद कर्मचारियों और पेंशन धारकों का डीए काटे। दूसरी तरफ पंचायत प्रतिनिधियों की मांग है कि सरकार जिन कार्यों को स्वीकृति दे रही है या जिन्होंने अपने कार्यों के लिए कागज जमा करवाए हैं उन कार्यों को जल्द पूरा करवाए, न कि पंचायत में कुछ लोगों के ही काम हो रहे हैं और कईयों के कागज अभी तक फाइलों में ही दबे हैं। 2 महीने से हम जनता के बीच मास्क और सैनिटाइजर बांटने जा रहे हैं। आज मैं ग्राम पंचायत रेलू में गया था तो वहाँ खासकर जो भूतपूर्व सैनिक हैं हमारे, उनके साथ उस जब हम मास्क बांट रहे थे तो उन्होंने मेरे से जब संवाद किया, बातचीत हुई, तो उनका जो डीए 1.5 साल के लिए फ्रीज किया गया, ना केवल उनका, केंद्र के कर्मचारियों का। तो उन्होंने ये कहा कि पहले तो अगर डीए और हमारे अगर कर्मचारियों के पैसे कटे हैं तो उनकी मुख्य मांग यह है कि जो पीएम केयर फंड में, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसको, उसका खर्चे का ब्यौरा और खर्चा पहले किया जाए। वास्तविक तो हमने ग्राउंड में देखा बहुत से लोग आदमी मिले, हजारों आदमी मिले, लेकिन कोई भी आदमी ये नहीं कह रहा कि चीफ मिनिस्टर की दफ्तर से या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के कार्यालय से कोई पैसा आया और गरीब आदमियों को मिला, इवन कि मास्क और सैनिटाइजर के लिए। दूसरा, जब पंचायतों के प्रधान मेरे को मिले, आज पंचायतों की बहुत सी एक्टिविटी, चाहे वो तालाब बनाना, बड़ी एक्टिविटी ऐसी करनी चाहिए, घर का काम भी करना वो मनरेगा के अंदर हो सकता है, आपने कोई पौधे लगाने हैं, आपने हॉर्टिकल्चर का काम करना है,
तो इसमें प्रधानों का इशू ये है कि चाहे घर बनाने हैं, घराल बनाने ही है, तो इशू यही है कि एक पंचायत, चार पंचायतों में एक तकनीकी सहायक है,